था इसके अंदर अम्मी जान के बनाए शामी कबाब, जो कि सैंडविच का मजा दुबाला कर देते हैं। Assalamualaikum, welcome to another Ahmed Hassan vlogs, और I hope so आप बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और खैरियत से होंगे। और आज का vlog जो है वो मुझे कुछ काम था, मुझे बाहर जाना था, सो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी साथ लेके चलूँ, कुछ घूमते हैं, फिरते हैं, कुछ खाते पीते हैं। और इसके अलावा मैं बस इस वक्त 2:30 हो रहे हैं और मैं कोई 1 बजे का उठा हूँ, और लेकिन 1 बजे का उठ कर अब व्लॉग बनाना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले जी हम रेडी हो जाते हैं, रेडी होकर ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट करने के बाद चलते हैं कहीं बाहर। सो जी आई एम रेडी और बिल्कुल मैं फ्रेश हो चुका हूँ, और अब चलेंगे हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग चलेंगे कहीं घूमने। और ब्रेकफास्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हसान व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। सो लेट्स गो, नॉट लेट्स गो, ब्रेकफास्ट करने हैं। सो आई डिसाइडेड टू मेक सैंडविच फॉर मी, सैंडविच बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। सो आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, मैंने आपको कहा था कि कर ले, मैं बस भी गया और अपने लिए ब्रेकफास्ट बना कर लाया। और एज यूजल बैकग्राउंड शोर को इग्नोर कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो गई है तो उस वजह से बहुत ज़्यादा शोर आता है। इस वक्त मैं नाश्ता करने लगा हूँ, मेरे सामने बहुत ही हेल्दी किस्म का सैंडविच जो कि मैंने खुद बनाया खुद, और बहुत ही टेस्टी होगा इंशाल्लाह। और मैं तो डेली अक्सर खाता रहता हूँ, डेली तो नहीं खाया, अक्सर खाता रहता हूँ, तो ट्राई करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। पहले आप ये देखें फिर मैं आपको बताता हूँ। ये है जी मेरा सैंडविच और साथ एक कड़क सी चाय, क्योंकि चाय ना हो तो नाश्ता तो बिल्कुल अधूरा होता है। तो चलें जी खा कर देखते हैं कैसा बना है। Let's have try some sandwiches। और इसके अंदर बहुत ही हेल्दी चीजें हैं, खा कर देखते हैं कैसा है। It's wow. Seriously, it's wow. इसके अंदर काफी सारे वेजिटेबल्स हैं, उसके साथ एग्स है और साथ है इसके अंदर अम्मी जान के बनाए शामी कबाब, जो कि सैंडविच का मजा दुबाला कर देते हैं। सो नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद मैं आपको मिलता हूँ और हम लोग चलते हैं कहीं बाहर। तो जी मैं रेडी हो चुका हूँ और ये देखें मास्क पहन लिया, मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, आप लोग भी पहना करें, सैनिटाइज भी किया करें। और इस वक्त मैं जाने लगा हूँ, ये है जी मेरी हैवे बाइक, देखें किस तरह बिल्कुल रेडी है मेरे साथ जाने के लिए। तो पहले मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ ब्रेकफास्ट के बाद, मुझे अचानक से एक काम याद आ गया जो कि करना बहुत ज़रूरी था इसीलिए। और इस वक्त अभी टाइम 4:30 हो चुके हैं और मेरा जो टारगेट है वो 5:30 तक वापस आने का है, क्योंकि वापस आके भी बहुत ज़रूरी काम करने हैं। सो लेट्स गो। सो जी फर्स्ट काम तो मेरा हो गया है कंप्लीट। मैं आया था यहाँ है, और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट की तरफ और कुछ काम करते हैं। Here I am in Emporium Mall, और यहाँ पर बस वैसे ही कोई ख़ास काम नहीं था, लेकिन अब आ गया हूँ तो सोचूँ कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। कुछ बैकग्राउंड शोर इग्नोर, यहाँ पर लाइट यहाँ पर परफेक्ट आ रही है। सो अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या करना है। Let's go. तो SOPs पर फॉलो करने के बाद, अब टेम्परेचर चेक करने के बाद, लेट्स गो टू फूड कोर्ट और कुछ पीने के लिए लेते हैं। ऑब्वियसली इस वक्त नाश्ता तो हम करके आए थे, सो लेट्स गो एंड फाइंड समथिंग फॉर, सॉरी मास्क नहीं उतार सकते बिकॉज SOPs को फॉलो कर रहे हैं, कोविड है और इतना ज़्यादा कोई वो भी नहीं है कि, ब्रश नहीं है वैसे आज, ठीक है
और देखें हैट्स, हैव लुक, बहुत प्यारा इस दफा इन्होंने डिजाइन किया हुआ है, कलरफुल पाकिस्तान के पोस्टर्स लगे हुए हैं। और तो जी मैं यहाँ पर बड़े मज़े से अपनी वीडियो बना रहा था, बड़ा खुश होके, लेकिन एक गार्ड आया है, उसने कहा सर सॉरी स्ट्रिक्टली वीडियो नहीं बन सकती। आई डोंट नो व्हाई, मैंने उसको कहा यार मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ, मैं कौन सा किसी की वीडियो बना रहा हूँ, बट फिर भी उसने कहा वीडियो नो, लेकिन कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना यार। मैं यहाँ पर कोई भी नहीं है, बिल्कुल टॉप फ्लोर पर आया हूँ, फूड कोर्ट से भी ऊपर, और कॉफ़ी मैंने अपनी ले ली है, कैपेचिनो कॉफ़ी आज मैं पीने लगूँ। काफ़ी अर्से बाद मैंने गुस्तोसो की कॉफ़ी ट्राई करने लगूँ, पहले मैंने काफ़ी पी है, बट आज काफ़ी अर्से बाद। यहाँ पर कोई भी नहीं है इस वक्त, कुछ कुछ लोग हैं क्योंकि मैं बिल्कुल ज़्यादा टॉप फ्लोर पे आया हूँ। आई डोंट नो आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं, यहाँ पर मास्क उतार देना चाहिए। तो कॉफ़ी ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसी है। और यहाँ पर मज़े की बात यह है, बैठने की जगह भी नहीं है, उन्होंने सारा जो फूड कोर्ट की आपकी चेयर्स और टेबल्स हैं सब कुछ उठा दिया, और लोग लिटरली लोग ऐसे बैठे हैं जैसे समझ जाएं बस कैसे बैठे हैं, नीचे बैठे हैं बिल्कुल। वैसे मुझे इनकी एक बात समझ नहीं आई कि पता नहीं क्यों ये अलाउ नहीं कर रहे वीडियो बनाने को। मैं तो अपनी वीडियो बना रहा हूँ, मैं कौन सा किसी को दिखा रहा हूँ या किसी की प्राइवेसी उसको कह रहा हूँ, तो लेकिन ये ऐसा नहीं करना चाहिए, वीडियो बनाने देनी चाहिए। खैर इस वक्त टाइम बहुत हो चुका है, नमाज का टाइम भी गुजर रहा है, सो मैं जल्दी से अपनी कॉफ़ी ख़त्म करता हूँ और चलता हूँ मस्जिद में, मस्जिद यहाँ पर है, और उसके बाद मिलते हैं आपको जल्दी। नीचे जाकर मुझे वीडियो बनाने देंगे या नहीं, बट आई विल ट्राई कि मैं बनाऊँ, चले नीचे चलते हैं। आज के व्लॉग को करते हैं एंड यहीं पर। इस वक्त मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी जो मैं ले चुका हूँ, और कैरफोर में ज़्यादा वीडियो मैं इसलिए भी नहीं बना सका, कुछ शॉट्स मैंने लिए हैं लेकिन ज़्यादातर मैंने इसलिए नहीं लिए क्योंकि वहाँ पर सॉन्ग्स चल रहे थे और अभी बहुत स्टार्ट है तो कॉपीराइट नहीं आना चाहिए स्टार्ट में। सो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।